एमसीडी ने कहा है कि ये आपदा है सर, मैं मानूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है सर। मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है और ये सर 2 सालों से लगातार हो रहा है सर। आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है सर, हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। दूसरी बात सर, मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं सर। तो यहाँ पे ये जो हमारे काउंसलर्स हैं ये उनका भी फेल्योर है। तीसरी बात सर, मैं ये देख रहा हूँ कि हमने पढ़ा है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे मैं वो हाल देख रहा हूँ कि पहले इन्होंने लाइट काटा, उसके बाद सर सारी लाशें निकाल दी, उसके बाद यहाँ पे बच्चों को हटाने के लिए वहाँ पे पूरी पुलिस जुट गई और लाठी डंडे लेकर खड़ी है। 300 से ज्यादा लोग आज प्रशासन के खड़े थे सर, 100 से ज्यादा पुलिस वाले खड़े थे, एनडीआरएफ की टीम खड़ी थी, बाकी लोग भी खड़े थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि अगर 10 दिन पहले मानसून जब आने वाला था ये 300 लोग तब क्यों ना तत्परता दिखाकर खड़े हुए? सर 6 दिन पहले सर पटेल नगर में हमारा एक दोस्त था, मेंस की तैयारी कर रहा था सर, उसका करंट लगने से डेथ हो गया। आज 3 जो डेथ हुई है सर, अभी इनके साथ पेरेंट्स को पता सर, पहली डिमांड है कि जितने भी कल्प्रिट लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उससे पहले सर इमीडिएट डिमांड है कि जितने डेथ काउंट है और सर जितने इंजरीज है वो हमको साफ बताया जाए। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं डिजास्टर के लोगों के साथ यहाँ पे खड़ा था, उन्होंने मुझे बताया, पता नहीं सच बताया झूठ बताया मुझे नहीं पता, उन्होंने यहाँ पे बताया कि अराउंड 8 to 10 कैजुअलिटीज की बात उन्होंने मुझे बताई जो डिजास्टर के लोग थे। सही बताइए गलत बताइए मुझे नहीं पता है सर, बट उन्होंने मुझे ये बताया। तीसरी बात सर, मुझे हमें वीपी गुप्ता चाहिए और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 95% जो लाइब्रेरीज हैं सर वो सारी की सारी बेसमेंट में ही बनी है। आज तो एक जगह हो गया ये घटना सर, कल हर जगह पे हो सकता है, तो हमें सर वो सारे लोग चाहिए, वो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। पैसे ये लोग सर अंधा ले रहे हैं, यहाँ के मकान मालिक हो या लाइब्रेरी वाले हो सर, यहाँ पे एक एक रूम जिसमें दो दो बच्चे रह रहे हैं उसका टोटल रेंट 20।